हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आप लोगों के असाइनमेंट पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का एक और क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, ये असाइनमेंट आपको कल यानी कि 16 जुलाई को सबमिट करना है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को इस असाइनमेंट से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन की वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी हैं। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए मॉर्निंग के अंदर डाली थी, दूसरी वीडियो ये अभी मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट नहीं बनाया है तो दोस्तों, आप लोग जाकर जल्दी से इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना लीजिए। आपको इस सब्जेक्ट को कल ही सबमिट करना है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हम किस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि लोक नीति क्या है, नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। सो दोस्तों, आप लोगों को पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में, और जो नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियां हैं यानी कि वेरियस मेथड ऑफ पॉलिसी एवोल्यूशन, इसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से डिटेल के अंदर प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी उसके अंदर मैंने आपको मनरेगा वाला क्वेश्चन कराया था। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन दोनों वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा परिचय। तो गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि लोक नीति को राज्य एवं उसके नागरिकों के मध्य संबंधों को जानने के लिए बेहतर ढंग से समझना अत्यंत ही आवश्यक है। राज्य की उपस्थिति और प्रसंगता जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्ट होती है तथा तेजी से बदलते हुए भू राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ राज्य व उसके नागरिकों के मध्य के आपसी संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस संदर्भ में लोक नीति की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो लोक नीति एक रणनीतिक ढांचे की भांति है जिसमें राज्य की सीमा के भीतर रहकर सरकार अपने कार्य सिद्धि के लिए उपयोग में लेती है। इस संबंध में लोक नीति अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था में जनता के जीवन को परिवर्तित इसे नई आकृति प्रदान करने की देती है। लोक नीति की उपस्थिति को नागरिकों के प्रत्येक सामाजिक आर्थिक पहलू में देखा जा सकता है। राज्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को लाने के लिए एवं समाज के सभी वर्गों में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण करता है। इसी कारण न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक संबंध भी लोक नीति के कारण रूपांतरित हो रहे हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। बेसिकली गाइज, लोक नीति के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि जो उनका जीवन है, जो उनका रहन सहन है, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जस्ट किसी ने सोचा और एक पॉलिसी बनाकर सामने रख दी। नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लाइक लोगों की क्या आवश्यकताएँ हैं, उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। ये सारे पहलू इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लोक नीति की परिभाषा। वास्तव में लोक नीति की महत्ता और प्रसंगता ये है कि इसकी उपस्थिति व क्षेत्र समाज के सभी पहलुओं से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है जिसे चिन्हित करना आवश्यक है, वह ये है कि जिस प्रकार से हर देश के विभिन्न पहलू होते हैं उसी प्रकार से उस देश की लोक नीति भी होती है। ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू, प्राथमिकताएं, उपलब्ध संसाधनों आदि के आधार पर नीति की प्रकृति, प्रक्रिया, नीति प्रसंगता और प्रभाव आदि एक देश से दूसरे देश में काफ़ी भिन्न होते हैं। भारत में विभिन्न नीतियां मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा,
बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक और लैंगिक न्याय जैसी प्राथमिकताएं, समाज के कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, कृषि और उद्योग का विकास, बेहतर मानव सुरक्षा संकेतक, पर्यावरण स्थिति आदि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। लोक नीति की व्यापकता और जटिलता का एहसास सरलता से किया जा सकता है क्योंकि ये विभिन्न पहलुओं से अत्यंत अंतर संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है लोक नीति की परिभाषा के बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली जब हम बात करते हैं लोक नीति की, तो दोस्तों ये समाज के हर पहलू से संबंधित है और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जिस प्रकार हर देश में विभिन्न विभिन्न पहलू होते हैं, उसी तरह वहाँ की जो लोक नीति होती है वो भी अलग होती है। यानी कि जो लोक नीति इंडिया के लिए काम करेगी, ज़रूरी नहीं है वही सेम लोक नीति अमेरिका के लिए भी काम करे। हर देश के हिसाब से, हर देश की ज़रूरतों के हिसाब से उसकी लोक नीति अलग होती है। लोक नीति बनाते टाइम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। संसाधनों की उपलब्धता, हितधारकों की भागीदारी, सब कुछ, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो दोस्तों आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर कौन कौन सी परेशानियाँ, गरीबी, अशिक्षिता है, ये बड़े पैमाने पर है, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको लेकर नीतियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें लोक नीति के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि किस तरीके से हमें लोक नीति का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को तीन डेफिनेशन बताने वाली हूँ लोक नीति से रिलेटेड, जो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि आपके जो असाइनमेंट है उसके अंदर ज़रूर लिखनी है। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। पॉइंट है वो है थॉमस आर डाई का कहना है कि लोक नीति वह है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ करती है या कुछ नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, ये पहली डेफिनेशन है। दोस्तों, डेफिनेशन आपको ऐसे ही एज इट इज़ ध्यान रखनी है। विलियम जेन किन्स के अनुसार लोक नीति एक राजनीतिक अभिनेता या अभिनेताओं के समूह द्वारा लक्ष्यों के चयन और उन्हें एक निर्देशित स्थिति में प्राप्त करने के साधनों के विषय में लिए गए पारस्परिक संबंधित निर्णयों का एक समूह है, जहां उन निर्णयों को सैद्धांतिक रूप से उन अभिनेताओं की प्राप्ति करने की शक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सेकंड डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है। हमारी थर्ड डेफिनेशन है, डेविड ईस्टन ने लोक नीति को पूरे समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। सो दोस्तों, ये तीनों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों डेफिनेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियाँ। तो दोस्तों, आप लोगों से आपके क्वेश्चन के अंदर नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में भी पूछा गया था। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले तो ये समझा कि बेसिकली लोक नीति होती क्या है। तो लोक नीति मैंने आप लोगों को ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, डेफिनेशन भी बता दिए हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियाँ क्या हैं। समाजों में घटनाओं की संरचना और परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए उपलब्ध विभिन्न पद्धतियाँ प्रयोजन और दृष्टिकोण के आधार पर कुछ संयोजन के साथ नीति मूल्यांकन के लिए भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में दो मुख्य दृष्टिकोण अर्थात परिमात्रात्मक और गुणात्मक के बीच मोटे तौर पर अंतर करना आम हो गया है। कैर्सलीर और कुमार के शब्दों में दो के बीच बहुत स्पष्ट अंतर यह है कि परिमात्रात्मक विधियां संख्यात्मक आंकड़े उत्पन्न करती हैं और गुणात्मक विधि शब्दों में सूचना उत्पन्न करती है। गुण दोष निर्धारक अध्ययनों में परिमात्रात्मक विश्लेषण का प्रयोग मुख्यतः परिणामों और प्रभाव मापन के लिए हो सकता है। प्रक्रियाओं में परिमात्रात्मक पद्धति की में अधिकांश लाभ लागत विश्लेषण, यानी कि बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस लाभ प्रभाव विश्लेषण यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस
तीसरा है प्रोग्राम डिज़ाइन यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, और चौथा है सांख्यिकीय सर्वेक्षण होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों नीति मूल्यांकन की ये चार पद्धतियाँ हैं जिनके अंतर्गत हम नीति मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहला है लाभ लागत विश्लेषण यानी कि बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। दूसरा है लाभ ये वाला। तो दोस्तों दूसरा है लाभ प्रभाविकता, और तीसरा है हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन, और चौथा है सांख्यिकीय सर्वेक्षण यानी कि स्टैटिस्टिकल सर्वे। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट आपको डिटेल के अंदर अपने असाइनमेंट के अंदर लिखने हैं क्योंकि आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम लोग इन चारों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है लाभ लागत विश्लेषण। सर दावा करते हैं कि लाभ लागत विश्लेषण प्रमुख विश्लेषणात्मक ढांचा है जो सार्वजनिक व्यय निर्माण का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मूलतः लाभ लागत विश्लेषण के सभी लाभों और लागतों की क्रमबद्ध गणना आवश्यक है जो सुनिश्चित और अनिश्चित तुरंत निर्धारक या आकलन करना कठिन हो सकता है। ये तब हो सकता है जब खास परियोजनाएं स्वीकार की जाती हैं। ये समस्त सूचना सुलभ होने से विश्लेषणकर्ताओं उसके लाभों के कुल योग से प्रत्येक विकल्प की कुल लागत घटा सकें और प्रत्येक मामले में शुद्ध लाभ निर्धारित कर सकें। अधिकांश मामलों में लागत काफ़ी यथार्थ रूप से निर्धारित हो सकती है। मौद्रीकरण के पांच उपायों का उल्लेख करते हैं, प्रत्यक्ष मापन आकलन, बाजार मूल्यांकन, आर्थिक अनुमान, मान्यताओं पर आधारित अप्रत्यक्ष परिभाषा, परिकल्पनात्मक प्रश्न, वे मुद्रा के रूप में गैर मुद्रा लाभ को बुनियादी तौर पर कैसे समझते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक विकल्पों का पर्यवेक्षक। तो दोस्तों आप लोगों को ये पहला पॉइंट इस तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों आई नो आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, लेकिन दोस्तों लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर चीज़ों को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली लाभ लागत सर्वेक्षण के अंदर हम लोग बात करते हैं जो कोई भी एक लोक नीति जो होती है उसके अंदर क्या व्यय होना है और किस तरीके से व्यय होना है यानी कि कौन सा खर्च किस तरीके से होना है। तो दोस्तों इस पॉइंट के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है एंड इस पॉइंट को इसी तरीके से आप लोगों को अपने असाइनमेंट के अंदर मेंशन करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है लागत प्रभाविकता विश्लेषण। लागत प्रभाविकता को लाभ लागत विश्लेषण का सरलीकरण अरूप माना जाता है। ये उस मात्रा के अनुसार विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने की तकनीक है जिसे वे निर्देशित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे अधिक बेहतर माना गया विकल्प है जो लागत के निर्धारित स्तर के लिए अधिकतम प्रभाविकता उत्पन्न करता है। ये प्रभाविकता के नियत स्तर के लिए न्यूनतम लागत उत्पादन करता है। ये न केवल प्रस्तावित वैकल्पिक नीतियों की तुलना करने के लिए प्रयोग है बल्कि विद्यमान या पिछली नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए भी। रोज और फैमिन की राय में लागत प्रभाविकता विश्लेषण अपनी परंपरागत रूप से लाभ लागत विश्लेषण के सदृश्य है। सिवाय इसके मौद्रीकरण केवल लागत के लिए आवश्यक है जबकि लाभ प्रत्यक्ष परिणाम इकाइयों में व्यक्त किए जा रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर बताया गया है लागत प्रभाविकता विश्लेषण। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा लाभ लागत विश्लेषण, तो ये उसी का एक सरल रूप है यानी कि ऊपर जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो दोस्तों उसके अंदर हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, जिसके लिए ये सेकेंड चीज़ निकाली गई है जिसके अंदर हम चीज़ों को सरलीकरण से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है एंड ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगतामक विधि। प्रयोगतामक विधियाँ यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स सामाजिक अनुसंधान में असामान्य नहीं है। मूल्यांकन का आधार आदर्श प्रयोगशाला की भांति की
भीतर की स्थिति है जिसमें जनसंख्या में कुछ इकाइयां जिन्होंने नीति उपायों के अधीन कुछ सेवाएं प्राप्त करने की मनमाने ढंग से चुनी गई हैं जबकि अन्य इसे प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रमों को निष्पादन के मूल्यांकन में विभिन्न समूह प्राप्त किया है और जिन्होंने प्राप्त किया है उनके लिए नमूने तुलनात्मक विश्लेषण के लिए चुने जाते हैं। तब पहले और बाद के और यहाँ तक कि कार्यक्रम अवधि के दौरान के प्रभाव का अंतर ज्ञात करने के लिए समूह के प्रासंगिक परिवर्तियों का अध्ययन किया जाता है। बाद में महत्वपूर्ण स्तरों के आंकड़ों के परीक्षण के लिए संख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नीति के प्रभाव के लिए परीक्षण के लिए एक या अधिक नियंत्रण समूह का चयन किया जाता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की जो कि है सांख्यिकीय सर्वेक्षण विधि यानी कि सर्वे मेथड। सामाजिक अनुसंधान में बहुत प्रचलित है। नीति मूल्यांकन क्षेत्र में सर्वेक्षण अपर्याप्त उपयोगी है। सूचना को एकत्रित किया जाता है और विशेषकर नमूने लेने की तकनीकों प्रश्नवालियों और पर्यवेक्षी विधि तथा गौण आंकड़ों द्वारा समर्थित साक्षात्कार की सहायता से सांख्यिकीय संसाधनों का प्रयोग कर विश्लेषण किया जाता है। समुचित परिवर्तनियों की पहचान करने के बाद उपयुक्त परिकल्पना विकसित की जाती है। कुछ विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या से समूह चुने जाते हैं जैसे शिक्षा का स्तर, आय, जोत, भूमि का आकार, आयु, सेक्स, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि। बाद में कार्यक्रमों और नीति संक्षेपों से संबंधित परिवर्तन ज्ञात किए जाते हैं और नीति कार्यक्रम की सफलता और नमूनों की विभिन्न विशेषताओं के बीच संबंधों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जाता है। कई विद्वानों ने एक समुदाय में तीन परिवर्तनों के प्रकार के बीच भी अंतर किया है अर्थात टेड डिज़ाइन, कोहोर्ट डिज़ाइन, पैनल डिज़ाइन। इस प्रकार के डिज़ाइन विभिन्न समय विधि में विभिन्न दृष्टिकोणों से परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सो दोस्तों ये है हमारा लास्ट पॉइंट। दोस्तों आप लोगों को ये लास्ट के पॉइंट थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जितनी चीज़ें रिसर्च की हैं, जितनी चीज़ें ढूंढी हैं उसके अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट के लिए ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर लाऊँ। आई नो आज के जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको हार्ड लग सकती है लेकिन दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करती तो ये पूरा जो मीनिंग थी वो चेंज हो जाती। इसको मैंने आप लोगों के लिए एज इट इज़ लाई हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ भी आए और आप लोगों को आपके असाइनमेंट के अंदर अच्छे मार्क्स भी मिले। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। सो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड यस गाइस मैं आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी लाने वाली हूँ तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।